नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश है और आप देख रहे हैं किसान पाठशाला। अभी हैं अनिल भाई के साथ में नर्मदा जिला गुजरात, और अनिल भाई के साथ हम एक शुगर कैन फील्ड देखने आए हैं जो पौधे से लगी हुई है। है अनिल भाई? हाँ, ये पौधे से लगी हुई है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? ये लाइन से लाइन 7.5 फीट है। हाँ, ये रिंग पीट विधि से है। रिंग पीट बोलते हैं, जो रिंग पीट लगाते हैं मेथड वही है लेकिन पौधा लगा हुआ है, यही बात है ना? हाँ ये। हाँ, मतलब जो रिंग पीट से लगाते हैं वो काफी किसानों को पता है। ये लाइन से ये लाइन की दूरी 7 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी वो 5 फीट पे उन्होंने खड्डा किया था, 7x5। 7x5 पे। यस, ये आप ही के यहाँ के पौधे आए हुए हैं इसमें, और कितने महीने का हो गया ये? ये अभी आप साइड में आओ ना तो पता चलेगा हाइट कितनी है। ये अभी 6 महीने का हुआ है। हाथ खड़ा करो। आपके हाथ से बाहर निकल गया है। अभी जून चल रहा है, हाँ, 6 महीने का हुआ, मतलब ये लगाया जनवरी में था? ये नहीं, वो नवंबर के लास्ट में लगा था, नवंबर लास्ट, दिसंबर में, दिसंबर के आसपास था। हाँ, मतलब 6.5 महीने हो गए हैं। पौध से पौध 5 फीट है और लाइन से लाइन 7 फीट है। अभी इसका पत्ता भी निकाल दिया है और ये नरियल की रस्सी से बंधाई कर दी है, पहली बंधाई इसमें हो गई है ना? ये बीच में पूरी गैप है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में। इसका एक ट्रिलिंग गिन के दिखाओ ना कितना है। यहाँ पे तो कम होगा, वो आगे जाना जी, जितना है वही जो यहाँ पर है इसी को गिन के दिखाओ। 22 है, 22 एक भिर्रे में 22 सूट है। हाँ, 22 सूट। ललित भाई, यही उत्पादन देने का कारण है कि ये जो गैप है अंदर, गन्ने के अंदर हवा धूप सारा कुछ सफिशेंट रहेगा, और एक गन्ने से कम 2 किलो लेने का गोल होगा। तो आप अगर कैलकुलेटर निकालेंगे तो 7x5 पर लगे हैं, लाइन से लाइन 7 है, पौधे से पौधा 5 है, तो 1250 पाइंट बने हैं। और एक पाइंट में कितना गिना अभी? 22 नहीं, ये सूट 22 सूट है, तो रेंडमली 20 हम मानते हैं, 27,500 सूट, 1250 × 20, 22। हाँ, ये बाहर का है, ये वो आगे का, अंदर तो ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा। अपन 20-22 ही मानते हैं, तो 27 और 2 किलो का एक क्या निकल के आ रहा है? 55,000। तो ये कम से कम 550 क्विंटल का एवरेज तो ये यहाँ पर रेंडमली दिख रहा है प्रति एकड़ का, मिनिमम टू मिनिमम। और जैसे केले की खेती हम करते हैं 7x5, वैसे किसान पाठशाला के साथ अब किसान गन्ने की खेती भी करेंगे 5x7। और ड्रिप इरिगेशन से है, फ्लड से नहीं, ये ड्रिप, डबल ड्रिप डला हुआ है। और एक्चुअल में इसका उत्पादन और भी ज्यादा आने वाला है, हम रेंडमली जहां पर कम है वहीं का जोड़ रहे हैं। बहुत ही सुपर है, सुपर बगीचा है ये। पेरी नहीं लगा हुआ है, ये गन्ने का पौधा लगा हुआ है। और नवंबर लास्ट में गुजरात में मैं हूँ, राजपिपला नर्मदा जिला, अनिल भाई के साथ में हम ये एक R&D साइट विजिट कर रहे थे। सभी रिंग पिट मेथड बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और उसमें लगभग इस पद्धति से अगर रिंग पिट जाते हैं तो 50 क्विंटल बीज लगता है 1 एकड़ में। और किसान पाठशाला के साथ इस विधि से जाएंगे तो 1250 पौधे मात्र लगेंगे। 50 क्विंटल बीज में पकाए या 1250 पौधे लगाकर पकाए, ऐसी चीजें हैं। और गन्ने में इतना हवा और सारा धूप अंदर जाता है तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं पूरी क्लीन, पत्तियां क्लीन हैं, कोई फंगल और डिसीज और तुड़तुड़ा मऊआ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हवा का पूरा संचार है। और ये बारिश भी अच्छी आज तो आ गई है, अब इसकी स्पीड और बढ़ने वाली। और ऐसा अगर ग्राफ है तो खेत में अंदर काम करने के लिए जगह भी मिलती है। आज 18 जून 2021,
हम बलराम किसान हैं और आप किसान पाठशाला वॉच कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर गन्ने के किसान तक पहुंचा सकते हैं जो 50 क्विंटल बीज लगा रहे हैं, वो 1200-1300 पौधे में भी गन्ने की खेती वैसे ही कर सकते हैं। ये कमिंग सून है किसान पाठशाला के लिए, इसीलिए मैं R&D फील्ड आपको विजिट करा रहा हूँ। तैयार हो जाए सुगर कैन फार्मर, किसान पाठशाला आप तक पहुँचने वाला है। अनिल भाई बहुत अच्छा लगा, आपने ये साइड को इतना अच्छा डेवलप करने में मदद करी है। और बढ़िया एक है और रास्ते में ही है। और देखेंगे, ये अनिल भाई है और अनिल भाई भी यहाँ पर गन्ना किसानों के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। थैंक यू अनिल भाई।